हेलो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्टाइज फाइव पॉइंट टू फोर क्लास एट क्वेश्चन नंबर वन है हमारा द एक्सप्रेस ऑफ ऑन वेरियस हैड आर गिवन ब्लू आपके पास मार्क्स और फूड मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है सो आपके आपको इसकी हेल्प से पहले क्या करोगे आप इसके टेबल बनाओगे टेबल हमारे पास हम पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे इसके मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन एंड मेजर ऑफ एंगल सो मार्क्स में हमारे पास क्या है पेट्रोल फूड क्लॉथिंग एंड मैसेनियस सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं इसकी फिफ्टीन हंड्रेड थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी एंड सेवन फिफ्टी एंड टोटल जब इनकम करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा इसका सिक्स थाउजेंड सो बस क्या करेंगे इंस्पेक्शन निकाले के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पेट्रोल्स में और जो हमारे पास टोटल्स जिनका जो हमने ऐड करके आया था उन दोनों को हम रख के इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा इसका वन बाई फोर सेम एज हम इन सब सबके साथ ही करेंगे वही जो नंबर्स हैं और उसका टोटल सबके साथ डिवाइड कर देंगे उसमें फर्स्ट में आएगा वन बाई फोर सेकेंड में वन बाई टू थर्ड में आ जाएगा वन बाई एट एंड फोर्थ में भी आपका आएगा वन बाई एट सो बस आपने क्या करना है इसका एंगल निकालने के लिए मेजर एंगल निकालने के लिए वन बाय फोर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री से तो आपके पास आ जाएगा नाइन्टी डिग्री एंगल सेम वन बाई टू में आप मल्टीप्लाई करोगे थ्री सिक्सटी से तो आपके, तो आपके पास आ जाएगा वन एटी डिग्री एंगल एंड वन बाई एट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा फोटी फाइव का एंगल और सेम इसमें भी आपके पास आ जाएगा फोर्टी फाइव तो इन एंगल्स की हेल्प से आप क्या बनाओगे इसका पाई चार्ट सो ये आपके पास इसका चार्ट इसके एंगल के अकॉर्डिंग इसका बस आपने क्या करना है डी की हेल्प से एंगल ड्रॉ करने है एक सर्कल बनाना है सर्कल पूरा मतलब आप जब एंगल को निकालोगे तो एंगल का सम भी आपका थ्री सिक्सटी डिग्री आना चाहिए क्योंकि एक सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम आपके पास थ्री सिक्सटी डिग्री ही, ही होगा सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एट इन द लिस्ट ऑफ फाइव ईयर इन द गिवन गवन इन द फॉलोइंग टेबल्स तो आपके पास फॉलोइंग टेबल्स गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपके पास गिवन है सो so क्वेश्चन में आपके पास दोनों चीज़ें की वन आपके पास इस पास क्या निकाला इंफेक्शन एंड मेजर एंगल सो हमारे पास ये है मेरे प... <coughs> मैंने इसकी टेबल बना ली उसके हिसाब से मैंने पहले क्या करा इंफेक्शन निकाला जो जितने मेरे पास टोटल आए टोटल करने पर आए थे मेरा इसका सैवन फि सेवन हंड्रेड ट्वेंटी दोनों को मैंने क्या करा मतलब वन बाय वन हम मैंने सभी को टोटल का नीचे जो जो जितने भी टोटल्स आए थे और उसको जो मेरे पास है उसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया सो so, डिवाइड करने पे जो भी मेरे पास आया उसको मैंने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे पास एंगल्स आ गए इन एंगल्स का सब मेरा थ्री सिक्सटी डिग्री ही होनी चाहिए इसके हिसाब से फिर मैंने क्या बनाया इसका पाई चार्ट पाई चार्ट हमारा इस तरीके का इसका बन जाएगा विद हेल्प ऑफ टी या फिर प्रोटेक्टर क्वेश्चन पास मंथली इनकम ऑफ द थ्री सिक्सटी थाउजेंड एज गिवन ब्लू तो मेरे पास आइटम एक्सपेंड है एंड अमाउंट्स जो मैंने एक्सपेंड करा था तो टोटल हमारा एक्सपेंड होता है इतना उसने फूड एंड क्लॉथिंग सोर्स ऑफ द सेविंग एजुकेशन एंड मर्सल जो भी हमारे पास जितने भी हैं उन सबका इसने दे रखा है इस हल्प से हम इसके क्या बनेंगे वही सेम टेबल सबका प्लस कर देंगे एंड जो नंबर फूड का है हमारे पास नाइन थाउजेंड उसको हम डिवाइड कर देंगे थर्टी थाउजेंड जो हमारे पास टोटल था ऐसे ही हम सबका करते हुए चलेंगे रेंट का भी क्लोथिंग का भी और इंश्योरेंस का भी हम करते हुए गए और हमारे पास जो भी वैल्यू है उसको हमने थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दा मेरे तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास एंगल आ गया इसके नाइन्टी एट्टी सिक्सटी फिफ्टी सो और फोर्टी एंड फोर्टी सो so, इसकी हेल्प पे मैंने क्या निकाल लिया इसका एंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसका वही चार्ट बना देंगे चार्ट हमारे इस अकॉर्डिंग बनेगा हेल्प ऑफ सेम एज इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास दिए हुए हैं इसकी परसेंटेज दी हुई है परसेंटेज को हम इन्फेक्शन में हंड्रेड से करते हैं तो हमने हंड्रेड से इसको अपॉन परसेंटेज को हटाने के लिए हंड्रेड लगा दिया और जो भी वैल्यू है उसको थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दिया ये टेबल हमारे पास इस तरीके से गिवन है और हमारे पास एंगल्स भी गिवन है और उसके हेल्प से आप क्या बना देंगे इसका पाई चार्ट हो गया इसका पाई चार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास स्टडी द पाई चार्ट गिवन द फिगर्स विच द डिफरेंट द मार्क्स स्क्योर्ड बाई द बाई by स्टूडेंट इन आर एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल्स ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स फाइंड द मार्क्स ऑफटेन बाय हेम इन सेंटीमीटर सब्जेक्ट तो हमारे पास पाई चार्ट है इसके हिसाब से हम क्या बता दे रहे हैं कि पास कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स तो मैथेमेटिक्स में ये वन वाला ट्वेंटी था यह मैथेमेटिक्स का कॉलम है इस पास अपॉन थ्री सिक्सटी ने थ्री हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड थे 300 मार्क्स टोटल तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसमें मैथमेटिक्स में मिल उसको सो तो हमें बस हमें क्या करना है इसके मैथ्स इंग्लिश एंड इनके हमें बताना है कि इनके परसेंटेज के हिसाब से मतलब इनको जो डिग्री है इसके हिसाब से इनको कितने कितने मार्क्स मिले इंग्लिश में मिले सेवेंटी एंड सोशल साइंस में मिले थर्टी एंड साइंस में मिले इनको फिफ्टी एंड हिंदी में मिले फिफ्टी साइंस में फोटी हिंदी में फिफ्टी सेम है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी वही सेम है पाईचार्ट की हेल्प से हमें बस इनको बताने इसमें फूड कितने कितने परसेंट का हुआ था द एक्सपेंडिंग ऑफ द फैमिली क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सपेंडिंग द फैमिली ऑन द डिफरेंट आइटम इज रिप्रेजेंट बाय अ पाई चार्ट गिवन इन द फिगर गिवन ब्लू स्टडी द पाई चार्ट एंड फाइंड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर्स इन ईच आइटम सो मेरे पास पास पाई चार्ट है इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाला पहले फूड का निकाला फूड अपॉन थ्री वन एट्टी अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री तो मेरे पास कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट मैं निकाल दूँ तो मेरे पास फिफ्ट आएंगे फिफ्टी परसेंट रेंट का ट्वेंटी परसेंट एंड एजुकेशन का है मेरे पास टेन परसेंट एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है इसका क्लोथिंग एंड अदर क्लोथिंग अदर का है इसका फिफ्टीन एंड अदर का है मेरे पास फाइव परसेंट